सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों से सॉरी फील करना चाहूँगी कि आप लोग इतना बोल रहे हो मेरे को कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और मैं नहीं बना रही हूँ। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मेरे को बोल रहे हैं, जितने थोड़े बहुत जो भी है वो मेरे को बोल रहे हैं कि आप मैम ब्लॉग बनाओ बनाओ बनाओ, हम आपके ब्लॉग देखते हैं, आपके ब्लॉग मिस करते बोलते। तो वो स्पेशली उन्हीं की खातिर जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और एक बार मैंने फिर से सोचा है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। आई होप सो कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा और आप लोग की शिकायत दूर भी हो जाएगी। और पीछे देखो फ्रेंड्स, मेरा सायू आ गया है। सायू हाय बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बोलिए आप सब लोग। कैसे थे? तुम नहीं बोलते बेटे, आप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 11:30 बजे का टाइम है। आज हमारा मन है पिज्जा खाने का, तो पिज्जा पार्टी भी होगी और थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा बहुत। आई होप सो कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आएगा। छोटा सा ब्लॉग है, आप लोगों से रिस्पॉन्स की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ब्रश फ्रेंड्स, उसके बाद धोते हैं मुँह हाथ, अपना फेस वॉश करते हैं, क्योंकि नहाई तो मैं शाम को ही हूँ। तो सिर्फ फेस वॉश करूँगी अपना और फिर जाके आप लोगों से मिलते हैं। ठीक, तो भाई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्रश करने में बिजी थी तो मुंह में ब्रश था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने पीछे से साउंड डाल रखी है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना फेस वॉश निकाल लेते हैं और मैं करती हूँ ये वाला फेस वॉश यूज़। तो सबसे पहले मुंह धो लेते हैं, तब जाके आप लोग सीखते हैं। ठीक है भाई फ्रेंड्स, मैं मुँह धो के आ गई हूँ। अब फट से क्रीम लगा लेते हैं, बट मुझे करनी पड़ेगी कपड़ों में प्रेस। ये देखो, इसमें बहुत ज़्यादा सलवट है, तो ये वाला सूट डालूंगी मैं, सिंपल सूट डालूंगी। ठीक है, तो वैसे तो फ्रेंड्स ये सूट नया है, मैं पहली बार डालूंगी आज इसको, बट जैसे लिफाफे में पैक करके दिए थे ना टेलर ने 2-3 सूट, तो इसमें सलवटें पड़ गई है, तो बस वही मैं थोड़ी सी ठीक कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा सूट अच्छा लग जाए मेरा। तो भाई फ्रेंड्स, ये देखो मैंने अपने कपड़ों में प्रेस कर दी है। साई के लिए भी ये देखो मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल दिए। साई रो रहा है क्योंकि इसको चौकोबार खानी है। मधु यहाँ पर रेडी हो रही है और मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर जाके आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो भाई फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी। हाय मधु। मैं, मधु और साई अब निकल रहे हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं मार्केट के लिए। और ये है मेरा सूट। ठीक है, और मैं आपको जूती भी बताती हूँ। और भाई फ्रेंड्स, ये मेरी जूती है, ये मेरा सूट है। कौन सा सूट डाला है बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए, मैंने ताला चाबी भी निकाल दिया है और चलते हैं मार्केट के लिए। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाते हैं और आप लोग से थोड़ी बातचीत भी करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अब ना हम अपने रूम से निकल चुके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। मार्केट में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा शोर होता है मार्केट में ना। सो भाई फ्रेंड्स, यहाँ से पकड़ेंगे हम सीधी टैक्सी। तो भाई फ्रेंड्स, टैक्सी पकड़ के हम लोग पहुँच चुके हैं सीधे ही टनल के पास। इसके बाद जाएंगे हम संजौली की तरफ के लिए, बिकॉज टैक्सी यहीं तक है। और भाई फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग पहुँच गए हैं संजौली टनल के पास। कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। हाँ, और सबसे पहले कुछ नहीं हो और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम की अगर बात करूं मैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया है साईं के ऊपर, बिकॉज हम लोग जो है पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे, बट ये जिद करने लगा कि मुझे पहले आइसक्रीम खानी है, इसलिए हमारे को रेस्टोरेंट से वापस आना पड़ा। इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और इसकी ज़िद के आगे तो आपको पता है किसी की चलती नहीं है। तो बस हम इसको जो है आइसक्रीम खाने के लिए ले आए थे, और यहाँ पर साईं जो है पता नहीं कोई पता नहीं कौन सा फालूदा है, आइसक्रीम का फ्लेवर है कोई, तो वो हम इसको पिलाने के लिए आ गए हुए। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैं अपने बाल चेक कर रही थी कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और कैमरा भी चेक कर रही हूँ। भाई फ्रेंड्स, अब हमारी कार जा रही है सीधी पिज़्ज़ा खाने के लिए, बिकॉज हमें भूख लगी है। आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है क्योंकि मैं आज बाहर जाके सब कुछ करना है। और हम लोग पहुँच चुके हैं पीएल किचन में पिज़्ज़ा खाने के लिए। मजदूर साई आगे चले गए और मेरा काम है वीडियो बनाने का लगा। क्योंकि आप लोगों को बहुत शिकायत थी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर हो रहा है डिस्कशन कि क्या खाया जाए। हम खाना कहते हैं चिली चीज़,
चीज़ी ब्रांड अच्छा सा खाना खाते हैं, बट वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है दो पिज्ज़ा का, यहाँ का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है। और यहाँ का नाम है पीएल किचन और ये संजौली में है। अगर आप लोग कोई शिमला के नियर अबाउट आओ तो यहाँ पर जरूर आइएगा, बहुत टेस्टी पिज्ज़ा मिलता है और चीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। और आज मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को, और मेरी कटिंग कैसे है ये देखो मधु ऑर्डर देने में बिजी। मेरी फ्रेंड्स फाइनली हमारी प्लेट्स लग चुकी है, ये देखो और साई की बेचैनी। तो आधा एक घंटे बाद फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स लगी है टेबल के ऊपर ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था आज। और अब खाएंगे पिज्जा तो चलिए आने वाला। तो भाई फ्रेंड्स लंबे इंतज़ार के बाद हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और ये देखने में आपको लग ही रहा होगा कि बहुत यम्मी है। हाँ कितने पिज़्ज़ा खाने साई? तो दो ही पिज़्ज़ा बोल रखे हमने। तो यहाँ पर मैंने मधु को बोला था, मैं कहा मधु तुम सर्व कर दो साई के लिए, मतलब दे दो मैं कहा इसको खाने के लिए ना, मैं खुद वीडियो बना रही थी। तो मैं कहा अगर वीडियो बन रही है यार तो थोड़ा थोड़ा सबको आना ही चाहिए। और आज का जो ये ब्लॉग है ये स्पेशली साईं की फरमाइश पे है, मतलब साईं चाहता था कि मतलब पिज़्ज़ा खाया जाए, तो इसी की डिमांड पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये ब्लॉग बनाए। तो मैं यहाँ पर सॉस और चिली फ्लेक्स या जो भी इसमें मिलता है पिज़्ज़ा में वो मिला रही हूँ। तो साईं वेटिंग में अभी बोलते नहीं मम्मा, पहले मैं वीडियो बना के आपकी देख लूँगा तभी जाके मैं खाऊँगा। चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं अपना पिज़्ज़ा खा के भी, और साथ में हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी आ गया। और पिज़्ज़ा यम्मी है यार, और अगर अभी की मैं बात करूँ तो हम हैं विशाल में और यहाँ पर हम कुछ कपड़े देखने आए हैं फ्रेंड्स। देखते कुछ अगर पसंद आता है ना पैंट टी शर्ट गैम तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखकर मैंने शॉपिंग नहीं की हुई है। और साईं को देखो क्या, ये देखो साईं नीचे बैठ गया है, ये बहुत ज़्यादा थक गया है। और मधु कुछ पसंद आया आपको? कुछ भी पसंद नहीं आया। तो चलो आपको थोड़े से दर्शन कराते हैं हमारे शिमला के विशाल मेगा मार्ट के। ठीक है तो बहुत कुछ पर मेरी आंखों को कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है और ये तो हल्का भी है और लगेगा भी अच्छा, पर कुर्ती कुर्ती फिर मैं इसके पास क्या पहनूँ, तो यही दिक्कत है। तो दिखते जरा और ये देख रहे भाई हम चश्मा, देखते हैं ये कैसा बैठता है मेरे ऊपर। और ये स्टिकर है इसका, देखते जरा फाइनली मेरा चश्मा कैसा है फ्रेंड्स। ले लेती हूँ ना चश्मा, ले लेती ठीक है। कुछ दिख रहा है फ्रेंड्स पर पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली लेना क्या है। यहाँ पर हम क्रॉकरी की साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लगी है, मेरे को कुछ ले जाना है। और देखो साई साई मेरे को ढूंढ रहा है बैठ के नीचे, मेरे को नो इसको रहने दो आप। देखते ना कुछ साइकिल एक बॉटल लेनी है, देखनी है मेरी टूट गई है वो देखनी है। देखते भाई फ्रेंड्स हम लोग अब शॉपिंग करके आगे हुए हैं घर में, जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने कितनी कम शॉपिंग की है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फ्रेश होने आए थे। मैं और अब मैंने सिला रखा फ्रेंड्स सूट एक, तो मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास और वहाँ से अपना सूट ले लूँगी। और ठीक है थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना सा ही कुछ हुआ है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है स्मिट्री के दर्शन आगे जा रहा है साईं भाई। मधु गिरा मक्की लेने के लिए खड़े हो गए, यहाँ पर मक्की वाले अंकल ये भुट्टा बोलते हैं हमारे, बोलते इसको मक्की शिमला में। सो भाई फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, थक के बहुत बुरा हाल है हमारा इस टाइम। और अगर मैं बात करूं टाइम की तो 7 बजे का टाइम है, सबके थके बुरे हाल। ये देखो मधु यहाँ बैठी है, साईं अपना पिज़्ज़ा खा रहा है, सारा सामान ये देखो आप लोग फ्रेंड्स
बेड के ऊपर बिखरा हुआ है एक बाइट दे सही और थोड़ी सी तुमने मैंने आपको बताया कि मैं मना कर ही जा रहा है मैंने आपको कहा था मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है तो ये देखो मैं सैमी का पैकेट लाई थी विशाल से तो वहाँ पर था फ्रेंड्स की बाय वन गेट वन फ्री था तो देखो एक ये के साथ एक फ्री था तो मेरे को दो पैकेट मिल गए तो मेरे को ये डील अच्छी लगी और ये 79 रुपीज के दो पैकेट थे। इसके अलावा मैंने अपने लिए फुटवेयर लिए ये भी मेरे को अच्छे मिल गए थे विशाल में। आप लोग बताइएगा कि ये कैसे ही देखो तो एक मैंने ये जोड़ा लिया था। इसके अलावा मैंने सॉक्सेस ली थी अपने हस्बैंड के लिए तो ये दो जोड़े ये तीन जोड़े है ना दो जोड़े मिल रहे थे इकट्ठे तो मैंने ले लिए थे। इसके अलावा मैंने एक गॉगल ली थी अपने लिए और एक ली थी मैंने साईं के लिए। इसके अलावा मेरी ट्रे टूट गई थी तो मैंने एक ये ली है और मैंने कुछ नहीं लिया है बाकी सिर्फ हम लोग खाने पीने गए थे और फ्रेश होने गए थे फ्रेंड्स। ठीक है आपका चश्मा साई बोला मेरा चश्मा कहाँ है तो ये रो साई आपका चश्मा दूसरे वाला यही है। तो भाई फ्रेंड्स अब हम लोग थक चुके हैं ड्रेस तो हम लोगों ने चेंज कर ली है अब सबसे पहले बना देते हैं चाय है ना मधु चाय पीने का दिल है ना तो अब सबका मूड है चाय पीने का क्योंकि पिज्ज़ा खाए वन सबसे गला काफ़ी सूख रहा है चाय पी लेते थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद बैठेंगे मैं मधु और साई बाहर। अरे सुन तो भाई फ्रेंड्स चाय बन चुकी है और मैं और मधु बैठे हैं चाय पीने के लिए बड़े थके बैंड बजी है बिकॉज कल यहाँ पर जा रहा था हमारे क्लास में ना ओके तो इस वजह से फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आज हम लोग चल गए शॉपिंग के लिए भी शॉपिंग तो नहीं की हम लोग सिर्फ घूमने गए थे तो अब हम लोग फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं और आप लोग हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपकी जो शिकायतें हैं वो भी बता दीजिएगा कि दूर हुई कि नहीं हुई। तो आज के ब्लॉग में है फ्रेंड्स बस इतना ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।